राम राम भाई सारा ने तो भाई दो फारे के बद रहे हैं दो बे वर्कआउट का कंप्लीट होया है पंप देख सको आप। और भाई डाइट की बहुत पूछे जा रहा है कि गर्मियों के हिसाब की डाइट बता दे कुछ है। और जो भाई मैं खाऊं पूरे दिन में मैं आपने वो भी बताऊंगा आज पूरी, क्योंकि कहीं ना पूछा करा भाई कैलोरी कितनी लो हो कितना प्रोटीन इंटेक करो कितनी, आपने भाई सारी डिटेल में बताऊंगा मैं अपनी बता सकूँ अगर मैं पूरे दिन में क्यों क्यों खाऊं। बाकी आज थोड़ा सा सामान लिया था भाई मार्केट में गए वो भी दिखाऊंगा आपने कि लिया था मैं जो गर्मियों के हिसाब की डाइट थी कुछ खत्म हो रहा था सामान वो ले आया हूँ। सब तो पहला तो भाई ये चने हैं, गर्मी के टाइम में दिन में कम से कम 50-100 ग्राम चने आपने खाने चाहिए भाई। इस तो आपने थोड़े बहुत न्यूट्रिशन भी मिल लेंगे और भाई पानी भी बढ़िया पिया जाएगा और प्रोटीन भी होगा इनमें, ठीक है। फिर भाई ये है बादाम, गुरबंदी बादाम हो यार छोटी केरी हो यार, देख खुले और पैकेट है वो दिखा भी दूँ। देख भाई ये दिखा दे लास्ट पैकेट रह रहा था, ये छोटी गिरी हुआ यार भाई देख, ये हुआ भाई छोटी गिरी देख, इनमें तेल की मात्रा ज्यादा आ रहा है देख, ये देख न्यारा दिखना आ रहा है इस पे। इसमें और जो भी अपने बादाम आ रहे हैं मोटे उनमें यो फर्क हुआ भाई, उनमें केमिकल प्रोसेस करके मीठे करे जा रहे हैं या हो रहा है बदमा की रो फॉर्म होया कर भाई, ये इसमें थोड़े बहुत का कड़वाई पा जाया कर पर ओके रिपोर्ट बदाम है। दूसरे भाई काजू ये हो गया काजू भाई, काजू आप ये तो दिन में खा ले कोडा भी ठीक है, बादाम अपने वर्कआउट के बाद पीवे भाई हैं। अरे काजू भाई अपने दलिया दलिया बना उनमें गेर लिया रहे खीर खार बना सब गेर लिया रहे ठीक है। ये हो गया अखरोट भाई, अखरोट भी दलिया में खा ले चाहे बेगा सुबह मॉर्निंग में खा लो भाई तड़क तड़क बढ़िया रहा भाई, ये भी एक नंबर की चीज़ है आपका ओमेगा 3 कंप्लीट करेंगे इनमें भाई, इन आप सोते आना भी खा सको ज्वाइंट ज्वाइंट तो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। ये आ गई अपनी मुनक्का भाई, मुनक्का भी मैंने पहला ही बताई थी आप तो भाई, या यार मुनक्का देख लो गर्मियों में आप ग्लूकोज की जगह मुनक्का भी यूज कर सको भाई, इसके बहुत बेनिफिट है जो आपकी खून खून भी साफ कर रहा है या स्टेमिना में बहुत काम आ, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई यार, एक नंबर की चीज़ है गर्मियों में, दम और स्टेमिना इतना बना देगी बेजोड़ कर देगी मामला। पर भाई सर्दियाँ है वर्कआउट भी होना चाहिए जब खाया जाएगा सामान, ठीक है। अरे भाई यार ठंडाई सब पूछे जा ठंडाई का, तो मैं ठंडाई का रेशो पूछ कर आया था जिस पर भाई पंसारी पे, तो उसने रेशो ये बताया कि इसमें चार चीज हो पाँच चार पाँच चीज हो रहा है क्या करना बताऊँ। देख भाई एक होया कर इसमें सोप, दूसरी हो रहा है इलायची, फिर तीसरी हो रहा मगज, एक हो रहा खसखस, एक हो रहा गुलाब की पंखड़ी, ये पाँच छः चीज़ों में हैं। और इसमें इसका मतलब कितनी कितनी लेनी है वो आपने बता दूं, 200 ग्राम तय आपने लेनी है सौंप और सारी चीज लेनी है आपने 100 ग्राम। दोबारा एक बार फिर सुन लो भाई, काली मिर्च सौंप मगज खसखस इलायची गुलाब की पंखड़ी, इन चीज़ें तो मिलकर बनिया करें या बदाम, इनके बिना पीना गर्मी में बेवकूफ़ी है भाई, जाडे हो जाए गर्मी इनके बिना पीना बेवकूफ़ी है, या इस चीज़ ने ठंडा बनावा बादाम ने, ठीक है भाई। यो रेशो होगा अगर आप भाई कम लेना चाहो तो 100 ग्राम सोप ले लो और 50-50 ग्राम वे और सारी चीज़ ले लो, नूज आ इसका रेशो भाई। ये भाई अंजीर अपने सान बेक है तड़का दो खा लो भाई, इसमें भाई बहुत फाइबर हो यार है, अरे आपने भाई बहुत सारी चीज़ा में हेल्प करे, ये नू मान लो इनका तो फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान ना भाई इन चीज़ा की, ठीक है। यो भाई खजूर इब कहिया करना है ना बेरा ने, तो वो कह रहा है खजूर गर्म हुआ है, तो गर्म जो है वो सूखा उड़वा रहा है, जो सूखा उड़वाया कर छुआ रहा वो है गर्म, यो है खजूर यो है ठंडा, क्योंकि ये पाए भाई उड़े जाया करे, ये क्यों है ईरान अफगानिस्तान इन देशों में पाए जा रहा है, रेतीले इलाके उड़े तो पहले गर्मी उड़े, तो गर्म चीज़ का मतलब इना बनता ना भाई, ये उड़े खाई जा है। यो भाई अगर किसी ने वेट गेन करना है ना तो चार छुआरिया का सेक पीन लाग जाओ, रोज सोती आना है वेट गेन बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई आपका। यो कुछ भाई थोड़ा सा सामान था
और भाई आपने अपनी डाइट के बारे में बता दी पूरे दिन की, तो भाई इस सामान के बाद भी प्रोटीन की जरूरत रह जाए हमने, मैं अपनी बताऊं भाई, मैं आपकी नहीं कहता भाई, आपने जरूरत है कि ना है वो आपका खुद का है, मन जो मेरा गोल है मैं उसके हिसाब से ही खाऊंगा और उसके हिसाब से ही चलूंगा, ठीक है। तो डेढ़ घुट के केला खा लिया, ठीक है, मेहनत करे, मेहनत कर का बादाम हो तो बादाम प्रोटीन हो प्रोटीन, कोई सी भी एक चीज ले लिया करूँ, ठीक है भाई। फिर भाई आप रोटी खा ले हुए हैं, रोटियां भाई 1 किलो दही, ठीक है, 3 रोटी, जो सब्जी सब्जी और सलाद भाई, यो खा गया छुट्टी। फिर दोपहर भाई दूध पिया करें, शाम ने फिर वो एक आधा केला काला मिल जाता ठीक है ना, तो फिर भी शाम ने मेहनत कर ली। फिर सांझ के बाद मेहनत के बाद फिर वो ये के नाम लिया कर, रोटी खा, वो प्रोटीन चाहिए बादाम और रोटी, दोनों टाइम बादाम पियोगे ना गर्मी में भाई बेस्ट है, गर्मी नहीं बनेगी तभी दही में। और भाई शाम ने फिर अपनी वे रोटी खा कर सोते ने फिर दूध पी लेते भाई, मेरा दिन का मोकड़ा मोकड़ा सा 2 से 2.5 किलो दूध हो जा, 1 किलो दही हो है, और भाई 150-200 ग्राम घी भी हो जा रोज का, नूनी और भाई उसाला मिला के, जो मक्खन हो रहा मक्खन और घी मिला के दोनों मिला के 150-200 ग्राम मेरा डेली का हो जा है, ठीक है। और वर्कआउट भाई 3 टाइम हो जा है मिनिमम, मैं सपाटे भाई 700-800 में दिन के मारू ही मारू, जिस दिन मैं मतलब तीनों टाइम कर लू हूँ तो उस दिन 1100-1100 है, और उसके बाद वेट ट्रेनिंग रह गया और बोता गड़ंगा रह गया वो अलग है, तो भाई देख सको हो खर्चा कितना हुआ है। भाई बकवास करना, कोई कुछ भी कह दो कि भाई रोटी खा लियो दूध पी लो थरी दही बन जाएगी, भाई फिट रह सके हैं, ठीक है, फिट रह सके आदमी दूध रोटी में ब्रह्मचर्य पालन करके फिट रह सके, फिट रहना कति भी एक्सपेंसिव नहीं है, हाँ गेम करना या फिर भाई एक अच्छी लुक देना बॉडी ने थोड़ा ज्यादा, जिस मतलब आज की तारीख में कोई फिट फट रहने भाई किसी ध्यान को ना भाई, सबने दिखाना है एब्स, दिखाने हैं चमकाने हैं एब्स और बढ़िया बॉडी भारे भारे कब्जे, ये चाहिए सबने, फिट रहना पता किसी का ध्यान को नहीं भाई। तो उस हिसाब तो भाई बहुत खर्चा हुआ उस चीज में, चाहे आप सप्लीमेंट लियो चाहे ना लियो, जब भी बहुत खर्चा होगा आपका भाई। यार भाई पहलवानी तेन कह रहा भाई, एक हाथी पालन जैसा काम है घर में, एक पहलवानी एक बाल की पहलवानी करना इक्वल टू घर में हाथी पालना, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा वो था, खा ले करो भाई जुगर, खाना पीना तुमने अपनी मर्जी से है भाई, मेरे कह देते कौन की खाओ, मैं तो अपना दिखा सकूँ भाई, वरना से पता है दूर रहा करो, सप्लीमेंट बुरी चीज़ ना है। हाँ पर सप्लीमेंट जो है ना, देख सप्लीमेंट के बारे में एक चीज़ समझाऊँ आज अपना भाई, थोड़ी समझ के देख, जुगर पेपर दिया कर हम, उसमें मारते एक शीट दिया कर, ठीक है, उस शीट पर हमने पेपर लिखा पेपर लिखा, ठीक है, वह शीट भर गई, तो फिर क्या करेंगे हम, एक कॉम्प्लीमेंट्री शीट होया करें जो एक और अलग तले लिया करें एक्स्ट्रा, ठीक है। तो समझाने की बात यह भाई, जो शुरू में हमने शीट मिला ना वो हमारी डाइट है, जो हमारा घर का घी दूध ये बादाम बादाम जो हो गया मतलब जो नेचुरल चीज है, ठीक है, ये भाई हमारी बॉडी की पूर्ति उड़े भी नहीं हो रही, क्योंकि बॉडी ज्यादा खिंचलना आ गई है भाई, ज्यादा मेहनत करना रिकवरी कड़ी करेगी, तो फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री शीट की जरूरत होगी, क्योंकि हमारा पेपर उसमें ना होया उस शीट में, हमने एक और शीट चाहिए, तब वह जो शीट है वह सप्लीमेंट है भाई, जिसका पेपर अगर जिसकी भाई एक इस चीज में सद जा है इस वाली शीट में पेपर हो जाए जिसका, तो भाई उन्हें जरूरत को नहीं, और भाई जिसका पेपर रह जाएगा जो घना लिखेगा भाई और जो घनी मेहनत करेगा तो उन्हें तो चाहिएगा भाई, बाकी भाई सबकी अपनी अपनी इच्छा है। मैं तो एक चीज छोटी समझाने की कोशिश कर रहा था, आर्टिफिशियल है ये बात सब ने रहा भाई, आर्टिफिशियल तो आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ खान ला गए हैं, हम चीनी खा ला जैसे तो बड़ी चीज़, तो भाई चीनी तो नरा सल्फर है जहर है, फिर भी कोई रुक है खाने ते, दारू का किसी ने नूनी बेरा की उक्कर बना है केमिकल है, तो दारू भी नरा उन्हें छक्का पीऊँ उसके बारे में आज थी कोई मैंने बोलता ही नहीं सुनता भाई, हिम्मत कौन है ना भाई बोलने, क्योंकि जो चीज़ खुद यूज करता हो आदमी उसके बारे में गलत क्यों कर कह देगा यार भाई, थोड़ा जो खामसा हो गया करना क्यों करो यार ये। अरे भाई एक चीज़ और, तो भाई गलत चीज़ का साथ मत करो, खाने पीने की चीज़ कोई भूंडी ना होती, यहाँ पर थोड़ा फास्ट फूड तो थोड़ा बच करो, और भाई साल 6 महीने में कभी भी खा भी लिया, अरे ब्याह शादी हम जाओ कोई हिसाब वो ना है, अदरवाइज तो भाई अपना थोड़ी बढ़िया मेहनत करे जाओ, बढ़िया रोटी खाए जाओ, गलत काम तो बच्चे रहो, कुछ भी सोता ना फिटनेस तो भाई कुछ भी ना है, बस इतना सा है जो बॉडी ने चाहिए वो उसने दे दो और मेहनत कर लियो, फालतू की चीज़ मत दो, फालतू की देते खराब होगी, जो अगर बालक ने
फालतू की चीज दबाने लग जा रहा तो बिगड़ने लग जा रहा ना, ये बॉडी भी सी हो भाई, इन्हें फालतू की चीज दोगे ना इसका और लत लग गई, एक और खाऊं मैं और खाऊं। बॉडी बनाना मतलब आसान चीज है, बस थोड़ा सा यार कंट्रोल होना चाहिए आपका खान पीन के ऊपर, आ के खाना और के नहीं खाना, बस इतनी सी बात है भाई। और जाते जाते भाई फिर एक के बात कहूंगा, बोले बाबा जैसा किसी में दम नहीं, देसी दम नहीं, जय बाबा की।